उसका मतलब यह है कि पुलिस वालों को और मुजरिम को साले जीजा की तरह ही रहना चाहिए। सर व्हाट आर यू सेइंग? नहीं इन्हें कैसे छोड़ दूं सर, ये तो मुजरिम है, क्रिमिनल्स है, गुंडे हैं सर, गुंडे हैं, शक्ल देखिए इनकी। अरे मैडम, इन लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फिर देखिए मिस चौटाला, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि ये गब्बर गुजराती के आदमी हैं। और गब्बर गुजराती की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सर यो तो क्रिमिनल्स है ना, फिर आपको इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड दीज आर माई ऑर्डर्स। ठीक है सर, फिर तो फिर माई हैंड्स आर टाइड, मैं मतलब क्या कर सकती हूँ, मैं छोड़ दूंगी, कोई नहीं सर, आप चलिए, यो छूट गया समझो। ठीक है मैं चौटाला चलता हूँ। सर चलिए, यो बाय। इधर आओ, तुम इधर आओ, लेट्स टॉक। अबे किया ना मैंने तो करा है, करा ना अपनी तरफ से, पकड़ के लाई कि नहीं लाई? हाँ यार सौलाद, ये बात यो है कि जो गब्बर गुजराती है काफी डेंजर आदमी है, वो पावरफुल आदमी है, तो मैं तो यो एज ए वेल बी सर तो जैसा दूंगी कि डील कर। डील मैंने कौन सी डील, कैसी डील? डील मतलब यार मीटिंग कर लो एक गब्बर गुजराती से, थोड़ा खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं फिर छूटती जमीन वगैरह, तुम्हें पता ही है कलयुग चल रहा है, माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। हम लोगों को मंजूर है, हम लोग है ना वो गुजराती के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। लवली यू आर नाइस स्मार्ट बॉय, तो इफ कल होगी मीटिंग। आ गया नाचो नाचो गब्बर गुजराती। अरे थाई गया। हाँ, अब मैं लोग को थक ही गया। हाँ भाई, गुजराती भाई व्हाट अ गुस्सा। हाँ तो भाई गब्बर भाई, आपका यो डांडिया रास और चेयर वगैरह तोड़ना मतलब बढ़िया रहा आपका कार्यक्रम, अब बातचीत कर ले बैठ के। बात भी करेंगे चीत भी करेंगे। ओ गब्बर गुजराती माफिया, लोग मांगते जिससे माफिया, क्यों बात क्या बोलो बात छूछे। अरे गब्बर भाई, ये दोनों जो हैं इनकी एक छोटी सी जमीन है जिस पे आपके कुछ शरीफ और एजुकेटेड बंदे जो हैं बहुत जम गए हैं, यानी कब्जा कर लिया उन्होंने। हाँ तो वो तो करेंगे ना भाई, वो तो काम है हमारा, मेहनत का काम है। नहीं ऑफ कोर्स ना, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, यू आर वेरी मेहनती आदमी, बहुत बढ़िया काम है आपका। तो बस यो क्या चाह रहे थे कि आप जो हैं वो जमीन इनकी छोड़ दें, तो आप जो बोले यो दे देंगे आपको। मैडम शू बात करो, जो बोलेगी वो बात करने का एक तरीका हो गए, मैं कर रही हूँ ना बात, ना ऐसे छोड़ दे, तुम्हें क्या लग रहा छोड़ देगा जमीन तुम्हारी, ना पुरखे भी ना छुड़वा पाएंगे, फिर करवा लेना फिर, एक तो जा रही हूँ आउट ऑफ द वे, कर रही हूँ काम, मैं घुस रहा है बीच में। देखो भाई तुम्हारा ये जमीन क्या 100 करोड़ का है? कम से कम नहीं, एकदम 100 करोड़ से ज्यादा होगा, कम नहीं। तो एक काम करो तुम 80 करोड़ दे दो, जमीन तुम्हारा। क्या है गब्बर भाई गुजराती, शू बात करो छो तुम्हें, माने 100 करोड़ की जमीन को छुड़वाने के 80 करोड़, ये तो जरा ज्यादा है, आप तो गुजराती हो समझते हो ना। तो 20 करोड़ का फायदा पंच है ना। हाँ तो लेकिन 80 करोड़ का नुकसान भी तो है ना। अरे 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 अपना गब्बर भाई, मैं क्या कह रही हूँ, ये 80-20 ज्यादा हो रहा है, तो देखो ना आपकी ना इनकी,
50-50 में डन डील कर लो। 50 करोड़ आपको दे देंगे, आप इनकी छोड़ देना जमीन है। सही है। अरे लेकिन मैडम यार, तू एक तो थारे बाल एकदम देख के जो है हमारी आंखें चुधी आ रही हैं, ऊपर से तू बीच में भी कतई ना 50-50 में भी अगर मान नहीं रहा है ना, तो फिर मारे बस की ना है। फिर ऐसा एक कोई नहीं, फिर आप ले लो इनकी 100 करोड़ की जमीन, आपकी है जी, आपस में देख लो। अरे पटेल डील कर लो। अरे उस जमीन से पुलिस कब्जा नहीं हटा पा रही है, तो हम उसके कब्जे से जमीन कैसे ले लेंगे? कर लो डील। ओए होए 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 होए। ये ठीक छे मैडम, मने मंजूर छे। हैं मंजूर है? ये अरे बढ़िया है, तो सही रहा फिर तो, बात एकदम डन है जी। कल 50 करोड़ लेके आ जाना कैश। वाव डील हो गया भाई, डील गुड। हेलो रे, हेलो सर। यो के था ऐसे ही, आपकी तारीफ करने का मन किया तो हमने कर लिया गा के। ऐसे ही बस गाने का मन कर लिया तो हमने गा दिया। और नाचे भी थे सर आप तो। ऐसे ही थोड़ा नाचने का मन कर लिया तो हम नाच भी लिया। सर क्या बात है, आज आपका मन कतई एक्टिव चल रहा है। चल तो रहा है। हाय क्या है ना, हमें प्यार हो गया इसलिए। के सर अरे हमारा मतलब है हमें प्यार हो गया इस चौकी से, ईमान चौकी से। हाय इनसे भी, सबसे प्यार हो गया हमें। बड़ा मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, आप बिना एक नंबर की लोमड़ी के, मेरा मतलब है चंट बिल्ली के, मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है। फंसाया है आपने दोनों बिल्डर को। वाह वाह वाह, मतलब चुप रह लेना यार, आने वाले कतई सुन लिया ना तो यही फूट जाना है भांडा। करेक्टर में रहो ना यार। रेडी रेडी मैडम, रेडी आओ पट बटन चल। पोजीशन बहुत भारी है। 50 करोड़ से नमस्ते मैडम, अमे लोग आवी गया छे। केम छो भाई? हूँ मजा में। जो तमे भाई? मजा मजा तो बढ़िया है, पर पैसे लाए हो? ई रही मैडम, गब्बर भाई के पूरे 50 करोड़, चाहे तो गिन लीजिए। एक मिनट के कर ले, गिन ले। भाई ऐसा है, गिनने की बात तो यो है कि यो है मिस्टर गब्बर गुजराती, और यो पैसे ना गिनते। इनके संग अगर कोई धोखा करता है तो फिर यो हड्डियां गिन लेते हैं। हाँ तो भाई विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से डील कर ले। मैं क्यों गब्बर भाई? आवी रीते ना है। ओ गब्बर गुजराती, पहले डांडिया रमिए पाची डील। हेलो रे हेलो। શું કરેજ તમે? હે દાંડિયા, તમે કીધું દાંડિયા, મતો દાંડિયા રમતા હતા, અરે થઈ ગયા
हाँ तो गब्बर भाई, आप यो 50 करोड़ अपने पकड़ लीजिए और इनकी जमीन से अपना कब्जा हटा लीजिए। हाँ तो हटा लेंगे ना, उसमें क्या है। मतलब उसमें तो कुछ नहीं है, समझ लो कब्जा हट गया। अभी मैं चलता हूँ, क्या है कि एक दूसरा जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा करना है। बहुत सारा जमीन रहता है, बहुत सारा कब्जा करना रहता है, बिजी आदमी है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। चलो आओ जो है, आओ जो। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हो गया हा? गाल घुटने तक क्यों आ गए हैं बिल्कुल लटक के? भाई चीयर अप, इतना बढ़िया काम हो गया तुम्हारा। अरे 50 करोड़ बच गए हैं, ये अब उससे अपनी बिल्डिंग बनाओ और फ्लैट बेचो लोगों ने। क्यों, चलो भाई। यार कमाल है यार, इतना बड़ा काम करवाया तुम्हारा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके, और एक थैंक यू तक ना बोल रहे हो। थैंक यू मैडम, वेलकम, चलो बाय, सी यू। आइए अंकल आइए। मैडम जी नमस्ते। सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन दोनों बिल्डरों को सबक सिखाया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं 2 कौड़ी का हूँ। अरे ना 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 अंकल जी, ये बाप यो ना कह सकते कि आप 2 कौड़ी के हैं। इब तो आप करोड़ों के हैं। वो 50 करोड़ जो मैंने उन बिल्डरों से वसूले हैं, वो मैं आप में और उन तमाम लोगों में जिन्होंने उन बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए हैं उनमें बंटवाऊंगी। मतलब मैडम अब हमारा अपना घर होगा, गृहस्थी का राजमा होगा, प्यार का हाजमा होगा। उपन्यास उल्टा है। और तब तक डूबता तारा भी ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दूर दूर है। करेक्ट। अच्छा सुनो टेढ़ा, तो आपको हमारा एक काम करना है। उस बिल्डिंग में जिन जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे उनके नाम लिस्ट हमें लाकर देना है आपको, समझ गए? जी हाँ, क्योंकि उन बिल्डरों पे होगा केस और आप सभी को उसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवाए जाएंगे। Well, ये है मैडम का इंसाफ इज्दा, मैडम है ऐसे बिल्डरों की बाप इज्दा। है वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैडम ने क्या गेम खेला है। आगे से आंख बंद करके बिल्कुल ही विश्वास करके नहीं लेनी कोई भी प्रॉपर्टी फ्लैट वगैरह। और आप भी जब कभी घर फ्लैट या प्रॉपर्टी ले रहे हो आंख बंद करके ना लें। सबसे पहले बिल्डर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करें, ये जान लें कि बिल्डिंग का ओसी आया है या नहीं। ये आपकी मेहनत का पैसा है, सोच समझ के खर्च करें, ना कि लालची बिल्डरों को इन्हें लूटने दें। बी सेफ बी वेयर। आए मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। हाय पर मैं जरा डांस प्रैक्टिस कर रहा था और आपने म्यूजिक सिस्टम ही उठाकर फेंक दिया। शुक्र मना कि मैंने तय नहीं उठा के नहीं फेंक दिया। निके जगह है, ओके निके के चिलमन बानो की हवेली से या गेंदा गदरी ली की महफिल। मैडम वो क्या है कि आपको तो पता है ना मेरी उन्नाव में ड्यूटी रहती है, तो वहां का जो थानेदार है ना उसे डांस का बड़ा शौक है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था बस। अच्छा अच्छा, ऐसे जो रावणपुर में ये जो चौकी है ना, ईमान चौकी, इसकी जो थानेदार नहीं है ना, इसको रैप्टे बनाने का घना शौक है। आ थारी प्रैक्टिस करो। मैडम मैडम मैडम, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो के करूं? थारा क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग स्प्री पे चली जाऊं? नहीं नहीं मैडम, आप है ना बिल्कुल समझी नहीं, मेरे घर में चोर घुस आया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओहो तो चोर क्रेडिट कार्ड चुराने आया था? नहीं वो तो कुछ भी चुराने नहीं आया था। तो क्या थारी पेंटिंग बनाने आया था?
देखो यार, जो भी बात है, जुदाई है या मुलाकात है, खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पॉपकॉर्न भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की डेंजर डायनासोर लगते है। मेरा मतलब है जुल्म के जंगल की जालिम मोरनी है, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, यही बता रहा था मैडम, बस समझ गए ना। हाँ बिल्कुल समझ गया। बात ये ना कि कल रात को है ना, मैं एकदम शांति से आराम से सो रहा था, मुझे ना नींद भी आ गई थी और सुबह मैं फ्रेश उठा भी, तभी मैडम मैंने देखा कि मेरे पलंग पे, माने मेरे खटिए पे ना, मेरे बगल में ये ना ये चीट पड़ी हुई थी। इस पे लिखा था कि एसी 16 पे नहीं 24 पे रख के सोया करो, बिजली की बचत होती है। वैसे मैं तुम्हारे घर में चोरी कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment. चलना। Well, bro, मैं ये पूछ रहा हूँ, तूने फिर एसी 16 पे रहने दिया या 24 पे किया? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना। लेकिन वो मेरे घर में घुस आया। कोई सामान मिसिंग है घर में? नहीं, वो वैसे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन मैंने वो मेरे घर में घुस तो आया ना। बाद में वो मुझे कुछ भी कर सकता था, चोरी भी कर सकता था, नहीं भी कर सकता था, मेरा मर्डर भी कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, ऐसा हो सकता था, वो हो सकता था, सारी बेकार की बातें कर ली तुमने, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। मैं आशिक हूं। ओ, अड़ोसन का या पड़ोसन का? अरे लेकिन मैं अड़ोसन का या पड़ोसन का आशिक क्यों होऊंगा? क्यों नहीं यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? किसी पे साकेत है ने? मेरे तो सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, माने इमोशनल है टोटली सबके साथ, लेकिन हाँ मेरी पड़ोसन वो है ना, मेरे साथ हमेशा झगड़ती रहती है, गुस्सा होती रहती है और कहती है कि तुम है ना एसी इतना तेज मत चलाया करो, क्योंकि उसको उसके घर में ठंड लग रही है। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम्हारे एसी चलाने से तुम्हारी पड़ोसन को कैसे लग सकती है ठंड? इज द हसीना अगर प्रोविडेंट है तो मैं हूँ फंड इज द। सिंपल है दादाजी, एक्चुअली बात यह है मैडम कि हम दोनों के घर के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, तो मेरे तेज एसी चलाने की वजह से शायद वो दीवार है ना वो ठंडी हो जाती होगी, इसलिए उसको वहां पे ठंडी लगती होगी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड तो है थारे पास दिमाग है नहीं है? नहीं, अपने घर के दरवाजे तू एकदम खोल के सोवे कि कोई भी एकदम अगली घुसी चली आई, चिटविट रख दी, चाय बना के पी के निकल ली क्या? हाँ, मेरे को याद है। एक्चुअली क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस जा रहा था और मेरी मम्मी ने मुझे मिलने आने वाली थी, लेकिन वो लेट हो गई थी, तो मैंने इसको, माने ये पड़ोसन को है ना, मेरे घर की चाबी दी थी, तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने एक साबुन की वो टिक्किया ली होगी, उसमें वो छाप ली होगी और बाद में डुप्लीकेट बनवा ली होगी। चित चोर तो सुना था, फिल्म भी देखी थी, इट वॉज नाइस एंटरटेनिंग, लेकिन ये चिट चोर समझ में ना आया। ठीक है कोई नहीं, जरा बुलवाओ इसकी पड़ोसन ने, मिले जरा उससे। आए